ओ माय गॉड, स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटिस की रेसिपी मिल जाए तो बात बन जाए। तो यस, रगड़ा पैटिस की रेसिपी अब शेयर करने वाले हैं। साथ में चटनी डालोगे ना मीठी, वो भी रेसिपी शेयर करेंगे। अरे सक्सेसफुल मैरिज की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। रुको, सुन लो, सुन मेरी बात। 10 साल हो गया मेरा शादी को। शादी के पहले नहीं भागना है, शादी के बाद भागना है, समझा? सो गाइस, आई जस्ट हैड द पाव भाजी हियर एट रवि सैंडविच। एक्चुअली रवि सैंडविच पाव भाजी, दही दही पूरी सब रखना चाहिए इसको। नाम पास्ता भी बहुत अच्छा है इसका, और मैगी सैंडविच भी बहुत अच्छा है। अब क्या बना रहे हैं हम लोग? रगड़ा पैटिस। रगड़ा पैटिस, जिसके लिए सबसे पहले हम जिसमें सबसे पहले मैश करेंगे। ओके, सबसे पहले 2 आलू को मैश कर रहे हैं, और तवा रख दी गर्म होने के लिए मैंने, और तवा जो है रेडी हो रहा है। सिंपल है, रगड़ा पैटिस का पैटिस पहले बनाया जा रहा है। धनिया, धनिया अच्छा खासा धनिया चले गए। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर। अच्छा ये देखो, सीधा स्ट्रीट से मैं रेसिपीज ला रहा हूँ। देखो बारिश वारिश हो रही थी अभी। गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। हाँ। गरम मसाला। ओके, रवि इज यूजिंग एवरेस्ट एंड सॉल्ट है, सॉल्ट है। बीच में फ़ोन भी आ रहा है जो कि हमारी बेगम का फोन आ रहा है। हाँ, सॉल्ट डाला आपने, सॉल्ट और ये लहसुन, लहसुन डाल ली चटनी। अभी इसको करेंगे मैश, मैश कर रहे हैं अभी लहसुन की चटनी डालने के बाद। हाँ, अभी इसको मैश करेंगे, मैश करेंगे। लहसुन की चटनी डालने के बाद मैश किया गया है, टिक्की बन जाएगी इसे? हाँ बन जाएगा, खुशबू अच्छी आ रही है। ये भी अभी भी स्टार्ट हुआ है, 15 दिन हुए? हाँ बस 15 दिन, 7 महीने हो। इनोवेशन इज द की टू सक्सेस, आपको अपने आप को इनोवेट करते रहना है। वैसे ही रवि के फिक्स कस्टमर्स हैं, काफ़ी सेलेब्स भी आते हैं यहाँ पे। ये हम डाल रहे हैं, तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, रेडी हो गए, साइड में करेंगे हम। तो टिक्की को साइड में कर देते हैं। अब क्या करेंगे रवि? पहले बटर, बटर क्यों डाल रहे, क्या बना रहे हैं यहाँ पे? देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या बना रहे हैं। ओहो सरप्राइज, कांदा मैडम, कांदा, टमाटर, टमाटर। ये दोनों को फ्राई करेंगे पहले। टिक्की के आगे क्या कमाल हो रहा है आप देख रहे हैं। टिक्की आई है, आई है, टिक्की आई है। अभी कांदा टमाटर भूनने के बाद वो टिक्की अभी हमें मिक्स कर देंगे। और ये, अरे क्या बात है, अब इसमें डालेंगे पहले मसाले, मसाले जाएंगे, चटनी वही है। हाँ हमारी चटनी, लहसुन, अदरक, लहसुन, अदरक, मिर्ची, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला थोड़ा, गरम मसाला। क्या खुशबू है यार गरम मसाले की, वाह। और ये धनिया सौंफ, धनिया सौंफ, ओके। और ये धनिया, अब इसमें डालने वाले रगड़े, अभी इसमें जाएगा रगड़ा, अभी खाली पैटीज, अभी तक रगड़ा हो जाएगा तब रगड़ा पैटीज बन जाएगा। अच्छा अभी तक पैटीज ही है। अच्छा ये मैश्ड पैटीज दिखाई दे रहे हैं, वरना नॉर्मली तो पैटीज, ये जो रगड़ा है ये हमने आपके साथ में शेयर किया था हमारे चैनल पर। ओके, और ये स्लो कुकिंग के साथ बनाते हैं, हवा की वजह से हमारे ये एल्यूमिनियम फोइल वाला आ गया। हाँ, सो ये जो रगड़ा है यहाँ से स्टार्ट कर दें। हाँ बताएंगे इसमें रगड़ा, क्या बात है, क्या लग रहा है। तो ये रगड़ा पैटिस आपने मैश कर दिया? हाँ मैश कर दिया, मिक्स कर दिया सब। हाँ अरे रवि, पार्टी ऑर्डर ले रहे हो क्या? पार्टी वार्टी में जाते हो? हाँ जाते ना, शादी वादी में भी ले रहे हो? सब पर लाइफ काउंटर। तुम्हारी शादी कब है? अभी 22 नवंबर को। तुम्हारे लड़कों ने बताया कि तुम्हारी शादी वादी में, पीछे ही पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, बॉडी वॉडी बना रहे हो। अब जाएंगे सॉल्ट। हाँ
सॉल्ट डाला है एक मिनट, और ये डालेंगे पानी, पानीपुरी का पानी, तीखा पानी, ये भी आपने शेयर किया है ना अपने साथ में, पानीपुरी का तीखा पानी भी रवि ने शेयर किया अपने साथ में, और मीठा पानी भी शेयर किया तुमने। और अगर किसी को पानीपुरी का तीखा पानी नहीं डालना तो क्या कर सकते हैं, नींबू का पानी डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। ओके, तो अगर तीखा पानी नहीं बनाना है, आपको बोरियत हो रही है, तो आप नींबू वाला पानी डाल दीजिए, या फिर है ना एप्पल सीडर विनेगर भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा बहुत खट्टा हो जाएगा। तो पानी बड़ा सही लग रहा है तुम्हारा, हो गया रेडी? बस दो मिनट लगेगा, दो मिनट अब आपको ऐसे ऐसे पकाना है। हाँ तो ये अभी है ना खाने पीने की बात बहुत हो गई, सुन मेरी बात, 10 साल हो गया मेरा शादी को, शादी के पहले नहीं भागना है, शादी के बाद भागना है, समझा? ये अपना 10 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ तुझे। आगे दोगे तुम ये क्या प्लेट मिल रहा है? 60 का 60 बन गया, नहीं अभी बनाना बाकी है, अभी और नहीं। अच्छा अभी भी बाकी है अभी। भाई ये क्या है, क्या हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है? ओ हो, ऐसे बनाएंगे खजूर का चटनी, खजूर का चटनी जिसकी रेसिपी आपने बताई हमें, और ये गार्लिक चटनी, गार्लिक चटनी। कमेंट चालू होने वाले हैं, हमको रेसिपी बताओ, रेसिपी है यार, कांदा है, और सबसे मेन इसमें लीमू चाहिए, लीमू से तो वाचा चटपटा। ओए होए 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 होए, लीमू चटपटा, और ये तुम्हारा तीखा पानी भी आ गया, बर्फ वर्फ डाल के मस्त, मैंने लिंक डाल दिए सारे। हाँ अभी इसको मिक्स करेंगे पूरा, अच्छा ठंडा हो गया, तीखा मीठा, गर्म है पूरा, गर्म तो ठंडा तीखा मीठा सब आ गया इसमें। ये वहाँ पे का ना और कुछ बाकी है क्या? ये हमारा रेडी हो गया, थैंक यू सो मच रवि वंस अगेन। तो ये रगड़ा पैटिस हमारा रेडी हो गया, रवि ने बताया है बना के, और इसमें कुछ कुछ रेसिपीज़ हमने पहले ही कवर कर ली है, एंड वी शोड द पाव भाजी ऑल्सो, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं खाऊंगा और आपको बताऊंगा रगड़ा पैटिस कैसा है यहाँ का, रगड़ा तो बहुत बढ़िया था, रगड़ा पैटिस आई एम श्योर वो भी अच्छा होगा, रवि के हाथ में जादू है। थैंक यू सो मच रवि यार, थैंक यू। ये रगड़ा इसको क्या बोलेंगे? वटाना, वटाना मटर बोलते हैं। कौन सा वटाना है ये? बड़ा नॉर्मल बड़ा मिलता है, दुकान मिलता है, नॉर्मल बनिया की दुकान पे मिल जाएगा। ओके, ये कितना किलो होगा? ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम, और ये गीला लग रहा है मुझे। हाँ, भिगो के बाद 350 ग्राम हो जाएगा, भिगाने के बाद 350। क्या इसको रात भर भिगो के रखें? हाँ, मतलब 7-8 घंटे कर सकते हो। कितना? 8 घंटा भिगो के रखना है। ओके, हम रगड़ा बनाने वाले जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है, सो लेट्स गो। तो ये अब 7-8 घंटा हमने मटर को भिगो के रखा, वाइट मटर को, फिर क्या करेंगे? इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी डालने वाले, कितना पानी डाला? तकरीबन दो कप डाला है। हाँ। इसमें हल्दी डालेंगे, हल्दी और नमक डालेंगे। नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है, वैसे मैं एक चम्मच देख रहा हूँ। दोनों को मिक्स कर देना जी, पानी उबलने के लिए रखना, अभी पानी उबालने के लिए रख दिया। पार्क पैराडाइज। इसको कितने देर अब ऐसा उबालना होगा? 2 घंटे लगे, 2-2.5 घंटे। ओ, 2.5 घंटे आपको उबालना है। आपने हल्का सा हल्दी और मिलाया, और कुछ नहीं मिलाओगे, बस 2-2.5 घंटे ऐसे उबालना। हाँ बस। ओके, और अभी ये उबालने के लिए आपने अब रखा है, ये क्या डाल रहे हो? इसमें जीरा धनिया पाउडर है, ये जीरा और धनिया पाउडर भी है, और इसमें हल्का सा सौंफ भी आप चाहे तो मिला सकते हैं, जीरा धनिया पाउडर और सौंफ, कोथमीर हल्का डालते हैं, और कोथमीर आपको डालना है। और आपने क्या कहा, कितने देर इसको उबालना होगा? 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटा लो फ्लेम पे कि मीडियम पे? मीडियम फ्लेम पे 2-2.5 घंटा आपको इसको उबालना है, और उबलने के बाद ये कुछ आपका रगड़ा ऐसा हो जाएगा। अब मैं ये अपना रगड़ा रेडी है, कितना देर हो गया अभी? अभी तो 20 मिनट अभी टाइम लगेगा, अभी और पानी डालोगे इसमें उबलने के लिए? पानी डालेंगे। ओके, डाल दो। जैसे ही पानी सूखेगा फिर ऐसे आपको बार बार पानी डालते रहना होगा, और फिर तो पानी एक ही बार ज़्यादा डालते हैं, तो कम डाला था, अभी एक बार हो जाएगा। अच्छा, अभी एक ही बार में हो जाएगा। हाँ। ये तो हमारा रगड़ा रेडी हो रहा है, ये क्या दिखा रहे हो? मीठा चटनी है, मीठा चटनी खजूर का बना रहे हो, क्या बात है। खजूर रहेगा इसमें, गुड़ सौंठ, गुड़ और सौंठ भी डालने वाले। ओके, गुड़ का है डाल के अभी दिखाने वाले। ये कितना खजूर है?
300 ग्राम खजूर। और ये गुड़ कितना लिया आपने? 14 किलो डालेंगे, थोड़ा 200 ग्राम 200 ग्राम ही डालने वाले। ओके आई विल टेल यू व्हाट, यहाँ पे ना एक्चुअली इनको इतने खचाखच ऑर्डर आ रहे हैं राइट, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वो सेलिब्रिटीज भी आते हैं। इनफैक्ट इफ यू कैन सी द कार ओवर देयर, अंशिका मुतवानी भी ऑर्डर दे रही है, क्या बात। और कौन कौन आते हैं भाई सेलिब्रिटीज? नेहा कक्कर भी आती है। ओहो क्या बात है, स्टार्ट करिए। तो पानी डाले, बिस्लरी का पानी डालते हैं। अच्छा बिस्लरी का ही पानी लेते हैं? पानी पूरी मैगी के लिए सब चीज़ के लिए बिस्लरी है, बिस्लरी का ही पानी लेते हैं। क्या बात है ये। अब आपने कितना पानी डाला होगा? तकरीबन 2 कप डाला है। 2 कप पानी डाला। पेस्ट निकाल दिया आपने और अब यहाँ पे पेस्ट बचा है खजूर का, अब क्या करने वाले? अब आप पानी डालने वाला। प्लीज एडिंग द वाटर नाउ। मिक्स करेंगे। मीठी चटनी बना रहे हो ना? सब में यूज होती है, पानी पूरी रगड़ा पैटे सब में। बस गाढ़ा, मतलब कम गाढ़ा होता है बस। ये खजूर का पानी तो अब आपने रेडी कर लिया। ये है, ये क्या दिखाई दे रहा है? सौंठ है। दिखा दो यार एक बार करीब। अच्छा सौंठ, ये कितना होगा? क्या होगा? मतलब 50 ग्राम 50 ग्राम सौंठ। ओके स्टिल थैंक यू। इतने बिजी स्केड में वहाँ पे देख रहे, भीड़ जमा है। और यहाँ पे राहुल क्या डाल रहे हैं? गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ कितना डाल रहे हैं तकरीबन? 250 ग्राम है। 250 ग्राम या तो ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा गुड़ डाल दो। तो अब ये खजूर के पानी में इन्होंने डाला है गुड़ और सौंठ। गुड़ नाल इश्क मीठा, सौंठ भी डाला जा रहा है। सौंठ कितना डाला आपने तकरीबन? 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम सौंठ और ये पानी डाला जा रहा है। आई टेल यू व्हाट, ये बिस्लरी का ही पानी लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए रिफिल बार बार ये बॉटल्स को कर रहे हैं। सो आई लाइक दैट पार्ट। ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट दैट यहाँ पे रिक्शा वाला भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग। और ये हमारा रगड़ा रेडी हुआ, देखते हैं नज़र एक डाल देते हैं रगड़े पे। रगड़ा भी रेडी हो रहा है। चलो इसको बाद में गर्म करें, इसको भी उबालने वाले हो? उबालेंगे। ओके इसको कितने देर उबालना होगा? 20 मिनट 20 मिनट ओके। ये भी गैस पर रखेंगे। गैस पर रखना। बीस मिनट तक आप इसे ऐसे उबालना है ढक्कन लगा के। तो गाइस रगड़ा बनने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है वहाँ पे। ये देखिए बमाए फुल स्पीड में बाइक जा रहा है। ओके सो रगड़ा बनने के बाद कुछ ऐसे होने वाला है और ये चटनी हमारी कुछ ऐसे होने वाली है। ऑलराइट एंड अब इसमें है पैटिस, इसमें है मीठी चटनी और बहुत कुछ है और रवि का प्यार भी है इसमें। और अब मैं ये खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा है। आप देख रहे हैं माई काइंड ऑफ प्रोडक्शंस एंड आई विल बी हैविंग दिस रगड़ा पैटिस। ओके वैसे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट रवि ने अच्छा ही बनाया होगा। ज़बरदस्त। अच्छा लेकिन मैं ये नहीं समझा तुमने पैटिस मैश क्यों कर दिया? उससे फ्लेवर चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। एक्चुअली फ्लेवर मस्त आ रहा है। हाँ मतलब रगड़े के अंदर आलू आपको, अच्छा किसी को एक्चुअली च्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। और आपने इतने अच्छे तरीके से मैश किया और साथ में फिर उसके बाद वो जो पूरी और सेब का क्रंच है और कांदे का क्रंच है ना, एक्चुअली फ्लेवर जो है एकदम ही ब्लेंड हो गए। और आलू की टिक्की है ना, ज़्यादा देर के क्या होता है बड़े रखो ना अंदर तक वो मसाला घुसता नहीं है। तो तुमने मैश करके जो मिक्स किया है ना बहुत ज़बरदस्त है। तुम्हारा रगड़ा तो पहले खाया, वो तो है ही ज़बरदस्त। कितना बोला इसका? 60 रुपीज़ में दिल जीत जाओगे। और पाव भाजी 90 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। पाव भाजी बटर वाली 90 है, सादा 80, चीज़ वाली 120। 110 दो पाव क्या चाहिए बस लाइफ में? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रवि का प्यार चाहिए। ए भाई शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं। चले ऐसे ही प्यार देते रहें और देखते रहें माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन और रवि को भी सपोर्ट करें। रवि सैंडविच इज हिज इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब पे भी है। आ जाओ शेयर करो एकदम ही रवि के चैनल का भी और मेरा भी चैनल का। टेक केयर करो। दिस इज मोहसिन साइनिंग ऑफ। टेक केयर। शुभ अगेन। खुदा हाफिज़।